चुनाव आयोग ने लोकसभा की 547 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान किया। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में होगी वोटिंग, 4 जून को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, ट्वीट कर कहा चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार। सुशासन और जनसेवा के अपने रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद आज आंध्र प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार, एनडीए के पार्टनर बने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ रैली को करेंगे संबोधन। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस की रैली, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। राहुल बोले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। चुनावी ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने जारी की नई लिस्ट, 6 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को दिया टिकट, गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर, तो इटावा से जितेंद्र दोहरे बने प्रत्याशी।